हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा स्कूल में जो आजकल एनुअल फंक्शन चले हैं कि इस तरह से बच्चे जो हैं वो एनुअल फंक्शन का 100% बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो कोई भी एनुअल फंक्शन किसी भी इंस्टीट्यूशन का दो तरीके के साथ बहुत मायने रखता है। एक तो बच्चों को एनुअल फंक्शन में हज़ारों पेरेंट्स के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और दूसरा कि बच्चे की जो वर्ष भर की एक्टिविटी रहती हैं उनके अनुरूप है जो है वो बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। तो ऐसे इवेंट से बच्चा क्या सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, और अभिभावकों का उस सीख में क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर मैं आज प्रकाश डालूंगा। क्योंकि जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का फंक्शन होता है तो ये स्वाभाविक है कि उन्हीं बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, उन्हीं बच्चों को इनाम दिए जाते हैं जिन बच्चों ने किसी क्षेत्र के अंदर जो है वो बेटर परफॉर्म किया होता है। लेकिन एक काफ़ी कैटेगरी ऐसी होती है बच्चों की जिन्हें जो है वो प्राइज़ नहीं मिल पाते हैं। तो कैसे हम बच्चों को मोटिवेट करें, हर बच्चे के अंदर जो है वो एक प्रतिस्पर्धा तैयार करें कि हर बच्चा जो है दे वर्क हार्ड, हर बच्चा जो है वो इस तरह के इवेंट से कैसे सीखे। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा अभिभावकों से भी कि जब भी किसी भी एनुअल फंक्शन के अंदर बच्चों को इनाम लेते हुए देखें तो कम से कम अगर उनके बच्चों को प्राइज नहीं मिलता है, पुरस्कार नहीं मिलता है, तो इस बात को नकारात्मकता में लेके ना जाए। वो ये ना सोचें कि उस अभिभावक के बच्चे को प्राइज मिल गया, उसको मिल गया, या पता नहीं इस अभिभावक की स्कूल से क्या सेटिंग है, या क्या कारण है कि मेरे बच्चे को प्राइज नहीं दिया। उस फैक्ट में जाए, बच्चे को समझाएं कि बेटा तेरे को प्राइज इसलिए नहीं मिला, हो सकता है कहीं ना कहीं जो है वो तेरे में कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर बेटा। अगर पेरेंट्स का जो नज़रिया है वो सकारात्मक रहेगा तो मैं श्योरली कहूँगा कि वो एनुअल फंक्शन जो है वो उस बच्चे के लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन अगर गलती से भी ये भूल हुई कि किसी अभिभावक ने अगर अपने बच्चे को ना गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसको क्यों मिला, ठीक है, या उसको गलत मिला, ठीक है, या बेटा तेरे को मिलना चाहिए था लेकिन स्कूल की गलती की वजह से तुझे नहीं दिया, तो अगर इस तरह की अगर नकारात्मकता अगर बच्चे के अंदर भर गई तो मैं नहीं मानता हूं कि उस इवेंट का करने का कोई लाभ है। तो जो पहली चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था कि जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें अभिभावक जो है वो सकारात्मक और पॉजिटिव है, और दूसरा जो है वो आता है एक्टिविटी पोर्शन में मैं मानता हूँ कि हर बच्चे को जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। जैसे कल्चरल इवेंट हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्किट है, और भी कई प्रकार की वैरायटीज़ एनुअल फंक्शन में होती है, तो उसमें बच्चे को मौका मिलता है। लेकिन निर्भर ये करता है कि कोई भी बच्चा उसका कितना लाभ ले पाता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ओपन, वो हर बच्चे के लिए ओपन है। अब उस प्लेटफॉर्म का कौन बच्चा कितना लाभ ले पाएगा ये कहीं ना कहीं बच्चे की जागरूकता के ऊपर भी निर्भर करता है, अभिभावक की गाइडलाइन के ऊपर भी निर्भर करता है। तो मेरा यही यहाँ भी अभिभावकों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ना मोटिवेट करें, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि बाल्यकाल के अंदर बच्चों के अंदर जो है वो थोड़ा ना वो सोच नहीं हो पाती है कि नहीं इसका मेरे को क्या लाभ है। बच्चे जो हैं वो बचने की कोशिश करते हैं, और एक बार ना आप ये बात नोट करें कि अगर एक बार आपका बच्चा अगर नकारात्मकता में चला गया, नेगेटिविटी में चला गया और स्टेज फियर से जैसी बीमारी से ग्रस्त हो गया तो पूरी जिंदगी भर वो स्टेज फियर से नहीं निकल पाएगा। तो बाल्यकाल जो है स्टेज फियर दूर करने के लिए सबसे बेस्ट एज है, सबसे बेहतरीन समय है कि बच्चे जो हैं वो स्टेज पे आएं, परफॉर्म करें और बोलें जो उनके मन के अंदर है। और मैं
एक एडवाइस करूँगा सही बच्चों से कि जब भी बच्चे स्टेज के अंदर परफॉर्म करें 100% उस परफॉर्मेंस में कैसे दे सकते हैं, ये टिप्स मैं आपको देता हूँ कि जब भी स्टेज पे जाएं ऑल इन ऑल अपने बारे में सोचें, अपने दिमाग में जरा सा भी संकोच ये नहीं होना चाहिए आपका कि जो सामने बैठे अभिभावक हैं, जो श्रोतागण हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, अगर वो आपके पास नहीं रहा, वो पब्लिक में चला गया, तो आप बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर सकते। आपका दिमाग आपके पास रहना चाहिए और आपकी सोच, आपकी समझ ये आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि यही आपकी ताकत है जो आपको 100% परफॉर्म करने में आपकी मदद करेगी। और क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी में चले गए, नकारात्मकता चले गए, तो कहीं ना कहीं ना आपके अंदर कहीं ख्याल आना शुरू हो जाएंगे कि मैं हंस रहा हूँ तो सामने वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैं अच्छा हंस रहा हूँ या बुरा हंस रहा हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज कर रहा हूँ, मैं अच्छी कर रहा हूँ या बुरी कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ अच्छा नाच रहा हूँ या बुरा नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ अच्छा गा रहा हूँ या बुरा गा रहा हूँ, तो इस तरह के ना ख्याल मन में आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही इस तरह ख्याल आना शुरू होंगे, 100% मैं श्योरिटी के साथ कहूँगा कि वो बच्चा अपना 100% उस चीज़ में दे सकता है। इसलिए मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूँगा कि बेटा ये सही समय, ये सही वक्त है आपका खुद को समझने का और 100% देने का। तो सभी अभिभावकों से गुजारिश है और ख़ासकर मेरा सभी अध्यापकों से भी गुजारिश है कि बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर मोटिवेट भी करें, प्रमोट भी करें, और अभिभावक जो हैं उस प्रमोशन को अपलिफ्ट करें और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जो है वो बच्चों को बच्चों का पालन पोषण करें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो समाज के बेहतरीन नागरिक बन सकें, एक सशक्त और मजबूत नागरिक।